नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। मुझे बहुत सारी कमेंट्स मिले थे कि रिकॉर्डेड नॉर्मल वीडियो को स्लो मोशन कैसे किया जाता है, ये हमें बताइए। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया ऐप लाया हूँ। इस ऐप का नाम है B612, यानी कि B612। इस ऐप की मदद से आप अपने नॉर्मल वीडियो को काफी अच्छे तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से स्लो मोशन इफेक्ट दे सकते हैं। उसके साथ ही साथ आप अगर फोटो एडिटिंग का शौक रखते हैं तो इसमें फोटो एडिटिंग भी काफी अच्छे तरीके से हो जाते हैं। तो इस ऐप को इंस्टॉल करने का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पे क्लिक करके आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। और इस ऐप को कैसे यूज करना है इसकी पूरी जानकारी विस्तार से मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ जाता है तो वीडियो को लाइक करना है, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। B612 इस ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल होने के बाद इस ऐप को आपको ओपन कर देना है। शुरुआत में आपको इस ऐप को एग्री एंड स्नैप नैपिंग पे क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ परमिशंस को भी अलाउ कर देना है ताकि ये ऐप आपके मोबाइल फ़ोन में अच्छी तरह से काम करने लगे। उसके बाद आपको यहाँ पे एडिट पे चले जाना है। अगर आपको वीडियो को स्लो मोशन इफेक्ट देना है तो आपको यहाँ पे वीडियोस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके गैलरी में जितने भी वीडियोस हैं सभी यहाँ पे शो होने लगेंगे। तो मैं यहाँ पे इस वीडियो को सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे ट्रिम पे चले जाना है, वीडियो को स्लो मोशन इफेक्ट देने के लिए या फिर वीडियो को ट्रिम करने के लिए। अब ये वीडियो प्ले हो जाएगा ऑटोमेटिकली प्रीव्यू के लिए। तो इसकी नॉर्मल स्पीड जो है 1x है, ठीक है। ये तो इस वीडियो को स्लो मोशन इफेक्ट देने के लिए आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको, एक है 0.5x और एक है 0.3x। तो हम पहले इसे 0.5x का जो है स्लो मोशन इफेक्ट देते हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से स्लो मोशन हो रहा है। अगर आप चाहो तो और इसे स्लो कर सकते हो यहाँ पे क्लिक करके। ये देखिए अभी तो काफ़ी प्रोफेशनली दिख रहा है। तो बनाए गए वीडियो को आप सेव करने के लिए यहाँ से सेव कर सकते हो, ये वीडियो आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। हम देखेंगे कि आप अपने नॉर्मल फोटो को DSLR इफेक्ट कैसे दे सकते हैं। तो फिर से हम ऐप को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको एडिट पे चले जाना है। उसके बाद यहाँ से आपको जिस फोटो को DSLR इफेक्ट देना है उस फोटो को चूज कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी ब्लर नहीं है, वीडियो में कुछ भी ब्लर नहीं है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे पोर्ट्रेट पे क्लिक कर देना है, और जहाँ पे ये ऑटोमेटिकली ब्लर हो जाएगा बैकग्राउंड, ठीक है। ये देखिए ऑटोमेटिकली ब्लर हो चुका है बैकग्राउंड। अगर आपको बैकग्राउंड क्लियर करना है और यहाँ पे जो फ्रंट पे है उसे ब्लर करना है तो आपको बैकग्राउंड पे क्लिक करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, बैकग्राउंड क्लियर हो जाएगा और ये जो है ब्लर हो जाएगा। तो मैं फिर से मेरे चेहरे को क्लियर करता हूँ और बैकग्राउंड को ब्लर करता हूँ यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है। उसके बाद आपको इस बनाए गए फोटो को यहाँ से सेव कर सकते हैं, आपका फोटो जो है सेव हो जाएगा। और आप इसे फिल्टर्स भी दे सकते हैं, ठीक है। तरह तरह के फिल्टर्स हैं इस ऐप में, बहुत सारे अच्छे तरीके से आप उसे इफेक्ट भी दे सकते हैं जो चाहे वो। तो अभी मैं बैक आता हूँ, और आप इस फोटो को क्रॉपिंग भी कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। यहाँ पे फ्री वाला ऑप्शन चूज करके आप इसे मन चाहे क्रॉपिंग कर सकते हैं, ठीक है। आप मन चाहे इसे क्रॉपिंग कर सकते हैं, या फिर साइज में है, साइज में भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे क्लिक करके आप इसे सेव कर सकते हो। अभी अगर आपको किसी फोटो को बैकग्राउंड, दोस्तों अभी हम इस ऐप की मदद से अपने नॉर्मल फोटो को कटिंग करेंगे ऑटोमेटिकली और उसका बैकग्राउंड जो है चेंज कर लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपना मोबाइल डेटा ऑन करना है, उसके बाद इस ऐप को ओपन कर लेना है। जैसे आप ऐप को ओपन कर लोगे आपको यहाँ पे एडिट पे चले जाना है, और यहाँ पे आप देख सकते हो ऑटो कटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपके फ़ोन में ऑटो कटिंग का ऑप्शन नहीं मिल रहा है इंटरनेट ऑन करने के बाद भी, तो आपको सिंपली किसी भी फोटो को एक बार क्लिक कर देना है, उसके बाद बैक आना है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा। तो अभी मैं ऑटो कटिंग पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे नीचे यहाँ पे आपको दिखाई जा रहा है कि कैसे इसे यूज़ करना है। अभी मैं यहाँ पे ट्राई नाउ पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अभी मेरा यहाँ पास मेरे पास यहाँ पे एक फ़ोटो है, तो मैं इसका ऑटोमेटिकली कटिंग के लिए मैंने इसे सेलेक्ट कर दिया है। ये देखिए अब यहाँ से ऑटोमेटिकली वो कटिंग हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँगा,
और यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके मैं अपना बैकग्राउंड चूज कर लूँगा मनचाहा, ठीक है। ये देखिए, और इस तरह से मैं फ़ोटो को एडजस्ट कर सकता हूँ, और इसे सेव करने के लिए यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ मैं। इसी तरह आप अपना मनचाहा बैकग्राउंड यहाँ पे लगा सकते हो। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया ऐप है ये, और इसे भी मैं सेव कर देता हूँ। और आपको यहाँ पे कंपनी की तरफ से यहाँ भी बहुत सारे मिल जाते हैं, ये देखिए, आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपकी गैलरी में जो बैकग्राउंड का फ़ोटो है उसे भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और इस ऐप को डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।